हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम लोग यहां पर बात करने वाले हैं रिक्रूटमेंट अपडेट के बारे में जो कि आ रही है एआई की तरफ से। तो देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने नोटिफिकेशन आप लोगों का पहले ही निकाल दिया था, लेकिन इसके जो फॉर्म है ना वो अभी अभी ओपन हुए हैं। तो मैं पहले बता दूं आप लोगों को, जूनियर एग्जीक्यूटिव का रिक्रूटमेंट है और रिक्रूटमेंट आप लोगों का यहाँ पर गेट 2024 के बेसिस पे आप लोगों का यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, देखो नोटिफिकेशन देखोगे तो नोटिफिकेशन आप लोगों को यहाँ पर फरवरी में देखने को मिल जाता है ना। मैं बता दूं बाकी इसमें इंजीनियरिंग की जो डिपार्टमेंट है ये पर्टिकुलर वैकेंसीज हैं जो कि आप लोग यहां पर देख भी पा रहे हैं। सिविल इंजीनियरिंग की बात करूं तो 90 वैकेंसी है, अगर बात करूं इलेक्ट्रिकल वालों की 106 है, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों की 278 वैकेंसी है, आईटी वालों की 13 वैकेंसी है और आर्किटेक्चर की 3 वैकेंसी है। बाकी आप लोग यहां पर कैटेगरी वाइज देख ही सकते हैं ना। ये जो नोटिफिकेशन था, ये नोटिफिकेशन के अंदर आप लोगों को ऑब्वियस बात है गेट 2024 आप लोगों से मांगा गया है कि अगर यदि आपने ये दे रखा है ना तभी आप लोग यहां पर कर पाओगे। देखो इन्होंने क्या बोला, एक और बात देखो आप, है ना, इन्होंने यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है कि देखो कैंडिडेट जो कि अप्लाई कर रहे हैं वैकेंसी के लिए, रिजर्व वैकेंसी के लिए, उनको सबमिट करना पड़ेगा कास्ट सर्टिफिकेट जो कि इश्यू होना चाहिए कब, या तो 1/5/2024 से इससे पहले। यानी कि अगर यदि आप लोग रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास यहाँ पर जो है 1 मई से पहले पहले आप लोगों का यहाँ पर क्या बन जाना चाहिए, आप लोगों का कास्ट सर्टिफिकेट आप लोगों का यहाँ पर बन जाना चाहिए, ऐसा इन्होंने यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में वही आप लोगों से बीटेक मांगा गया और गेट आप लोगों को यहाँ पर बोला है, गेट का पेपर कोड यहाँ पर दे रखा है, सीई पेपर कोड अगर यदि आप लोगों ने दिया हुआ है तो आप लोग यहाँ पर सिविल के अंदर आप लोग यहाँ पर भर सकते हैं। बाकी सेम तरह से पेपर कोड दे ही रखा है ना। एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट इन्होंने यहाँ पर मैक्सिमम एज 27 ईयर्स की बोली है और यहाँ पर डेट जो है आप लोग यहाँ पर इस डेट को बेस्ट डेट मानते हुए आप लोग यहाँ पर क्राइटेरिया मानेंगे। ठीक है, एज रिलैक्सेशन बाकी आप लोगों को मिल जाएगा जैसा जैसा मिलता आ रहा है। जैसे एससी एसटी को आप लोगों को 5 से 5 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल जाता है, 3 साल का ओबीसी वालों को मिल जाता है ना, तो वो भी आप लोगों को यहाँ पर मिलता रहेगा। अगर मैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो 2 अप्रैल से ये पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर फॉर्म, यानी कि आज से आप लोग यहाँ पर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। क्लोजिंग डेट की बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों की 1 मई रहेगी, है ना, तो 1 मई तक आप लोग यहाँ पर इसको भर देना। ठीक है, एआई की वेबसाइट पर चले जाना, वहां पर आपको देखने को मिलेगा। रेन्यूमरेशन की बात करूं मैं आप लोगों से तो यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर इवन लेवल, यहाँ पर देखो ग्रुप बी की पोस्ट है, यहाँ पर आप मान के चल लो 40,000 से लेके आप लोगों का यहाँ पर बेसिक पे स्टार्ट है। इसके अलावा देखो टीएडीए वगैरह एचआरए वगैरह वो सब एक्स्ट्रा मिलते हैं ना, तो सैलरी अच्छी खासी निकल के आएगी आप लोगों की। ठीक है, और बाकी देखो ये सेम ही है एआई का जैसा होता आ रहा है। ठीक है, तो जो अब यहाँ पर इन्होंने साफ साफ लिख दिया कि ओनली दोज कैंडिडेट हु अपीयर्ड इन गेट 2024 वही आप लोग के यहाँ पर एलिजिबल होंगे, है ना, जिन्होंने 2024 का गेट का पेपर दिया है वही लोग यहाँ पर इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने यहाँ पर ये लिख दिया। बाकी सारी बातें तो हमने यहाँ पर पहले भी नोटिफिकेशन देख रखा है, ये वाला नोटिफिकेशन ऐसा नहीं आज ही है, इससे पहले मैंने आप लोगों को यहाँ पर पढ़ा रखा है, बता रखा है कि नोटिफिकेशन आप लोगों का ऑन हो गया है, तो आप लोग जाओ और जाके जो है इस पर्टिकुलर फॉर्म को फिल कर दो अगर आपने गेट 2024 का फॉर्म जो है फिल किया था। अगर यदि आप लोग तैयारी करना चाहते हैं गेट ईएससी की या फिर आप एसएससी जेई की सिविल इंजीनियरिंग से रिगार्डिंग किसी भी कोर्स की, तो आप लोग यहाँ पर हमारी वेबसाइट को या एप्लीकेशन के ऊपर जो कोर्सेज है उनको भी आप लोग यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। बाकी इस तरह की रिक्रूटमेंट अपडेट आप तक यहाँ पर पहुंचती रहे इसके लिए आप लोग यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, साथ के साथ वीडियो को शेयर कर दें दोस्तों के साथ जो लोग हैं गेट का बड़े अच्छे तरीके से जिनकी रैंक वैंक चल रही है उनके ऊपर। मिलते हैं बाकी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।